उनके जवाब थोड़ी लेट दे रहा हूँ, थोड़ा बिजी था एकेडमिक वर्क में ही। अच्छा, सबसे पहले चलो ये थैंक यू है, थैंक यू आपका भी। नवप्रीत मेहरा जी है, बीएड और ईटीटी एक साथ कर सकते हैं प्लीज बताओ। दो प्रोफेशनल कोर्स या रेगुलर कोर्स आप कभी भी नहीं कर, प्रोफेशनल कोर्स को अलाउ नहीं किया जाता, तो नहीं कर सकते आप। नवप्रीत मेहरा जी है, सर हम बीएड के बाद दोनों मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं या सिर्फ मेजर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या है, आओ, आओ, उड़ गया क्वेश्चन, उड़ गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा, ये समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि क्या माइनर के बन सकते हैं या मेजर के बन सकते हैं दोनों। एक आपके पास है मेजर, ओके, एक है माइनर। ये सिर्फ बीएड की एडमिशन तक टर्म यूज की जाती है, उसके बाद नहीं। बेसिक क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे लीजिए बोलो, क्या आपने वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन जो भी है आपका, है ना, वो आपने 3 इयर्स प्लस इलेक्टिव पढ़ा है? ठीक है, अगर आप बायोलॉजी है, इलेक्टिव नहीं लगा शब्द ये साथ में, तो वो इलेक्टिव है। जनरल जो है इंग्लिश और पंजाबी उसको माना जाता है, 3 साल पढ़ा है। और मान लीजिए आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ी थी और आपने पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ी थी, इट मींस आपको एसएसटी एक मिल गया मेजर सब्जेक्ट, और आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, इलेक्टिव पंजाबी। अब यहां ये माइनर है, लेकिन आपने 3 साल पढ़ा है, आपने ले लिया टीचिंग फॉर पेडागोजी ऑफ एसएसटी एंड पेडागोजी ऑफ पंजाबी, तो आपने ये कर लिया, ये आपका मेजर था, ये माइनर था। लेकिन क्योंकि आपने पंजाबी इलेक्टिव 3 साल से पढ़ी है और पेडागोजी पंजाबी बीएड में कर ली है, तो आप जॉब के लिए मेजर जिसे बोलते थे उसमें भी एलिजिबल हो और माइनर में भी एलिजिबल हो। मेजर के लिए एलिजिबल होंगे ही होंगे, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेजर के लिए एलिजिबल होंगे ही होंगे? यस भी है, नो भी है, ध्यान से देखना। यस कहां है, अगर जी एन डी यू में है, क्योंकि जी एन डी यू सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिशन देती है जिन्होंने कम से कम 3 साल इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ नो क्यों है कि हमें मेजर करने के बाद भी नॉट एलिजिबल हम हो सकते हैं, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कई कई कॉम्बिनेशन उनके, सभी नहीं, कई कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको वो एक पढ़ा होने पर भी, फॉर एग्जाम्पल इनमें आपने अकेली हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री के बेस पर 3 साल विषय पढ़ी है, 3 साल पढ़ी है, और आपने दूसरा पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी या कोई और सोशल साइंस नहीं पढ़ी, तो हिस्ट्री के बेस पर आपने वहां जाके एसएसटी तो ले लिया। जब जॉब के लिए जाना है वो कहेंगे, जॉब वाले कहेंगे कि बेटा आपने 2 सब्जेक्ट जो एनसीटी ने लिस्ट दी है वो पढ़े हैं, तो वो आपने पढ़े नहीं होंगे, दैट इज वाई वहां पर आप बीएड कर गए हो हिस्ट्री से, और आपकी एमए हिस्ट्री मान लीजिए नहीं है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ा था, मान लीजिए पंजाबी, जनरल पंजाबी के बेस पर आपने लिया है एसएसटी पंजाबी, ये भी एसएसटी पंजाबी था, एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि 1 सब्जेक्ट पढ़ा था। तो दूसरा है कि यहां पर आपने पंजाबी 1 साल पढ़ी है, जब 2 साल पढ़ी थी, जहां पंजाबी आपने जनरल पढ़ी थी, 3 साल ही मान लीजिए पढ़ी है, जहां जनरल पढ़ी है, ठीक, तो जनरल पढ़ी है, 3 साल पढ़ी है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि इलेक्टिव पंजाबी आपने क्या 3 साल इलेक्टिव के तौर पर पढ़ी है या जनरल के तौर पर, अगर आपने इलेक्टिव तौर नहीं पढ़ी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो इन केस में ये प्रोबेबिलिटी है, डिपेंड करता है आपका केस कौन सा है, अगर आपका मेजर गुरु नानक में है तो आप मोस्ट प्रोबेबली एलिजिबल हो, जी एन डी यू ने ऐसा कुछ लिखा, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी
चंडीगढ़ और पीयूपी में कर रहे हो, और कोई ऐसी ऑप्शन रिलैक्सेशन आपको दी गई है कि आप दो की जगह एक पर एसएसटी ले सकते हो, ऐसी कई ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, तो वहां पर आपके बीएड वो करवा रहे हैं, ये उनका पॉजिटिव है, लेकिन उनके एलिजिबिलिटी बनाने के लिए आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप हो भी सकते हो एलिजिबल, नहीं भी हो सकते हो, मेजर माइनर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल पढ़ा हो होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए और इलेक्टिव पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर सोशल साइंस है या साइंस है उनकी मिनिमम 2 साइंसेस, ठीक है, अगर साइंस है, मैं यहां पर लिख दूं ये भी बता दूं आपको, अगर साइंस है ना, तो उसकी भी 2 साइंसेस, जैसे आपकी बायो और केमिस्ट्री है ना, जहां आपकी जो दूसरी है, चलो केमिस्ट्री लिख लेते हैं, केमिस्ट्री, ये 2 पढ़ी हुई होनी चाहिए तभी आपको साइंस के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए नहीं। और ऐसे ही एसएसटी है जो मैंने पीछे बताया, 2 साइंसेज आपने मिनिमम पढ़ी हो, जो 13 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से 2 कोई चूज की हो, तो वो अगर है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमन्ना रानी कमेंटर, सर पंजाब में ईटीटी के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, पहले +2 बट अब शायद चेंज हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है शायद, प्लीज आप कंफर्म करके बता दो यूट्यूब पर। यस, आपकी बात ये ठीक है, जो आपका आंसर है सेशन 2023 और 25, ये सेशन है, सेशन 2023 है ना से 25 का फर्स्ट सेशन, इसकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन, बीए बीएससी वगैरह होगी। ओके, तो जो अब सेशन कौन सा चल रहा है, 2022 है ना, 24 चलना है आपका बीएड का, इसकी अभी तक 10+2 है। कारण यह है कि काउंसलिंग प्रोसीजर वैसे बड़ा फ्लेक्सिबल है इनका, अभी भी आप सीट ले सकते हो, ईटीटी में लेनी है मिल जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से एसोसिएटेड है, जब तक वो गूगल शीट नहीं मांग लेते तब तक एडमिशन चलती रहती है, कर सकते हो। तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए आप पूछ लेना, हाँ यहां तक है, इस बार आप एलिजिबल हो, अगर आपने +2 की है तो आप ईटीटी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंडिविजुअल हैविंग ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, देन फॉर पीटेट ए कैंडिडेट गिव मैथ साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जाम, क्वेश्चन मार्क आना था। देखिए आपका सिंपल है, 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है साइंस स्ट्रीम, ओके, और दूसरी है जब पीटेट या सीटेट आपने फिल करना है, दूसरी है सोशल साइंस स्ट्रीम, एसएससी जिसको बोल सकते हैं ना, तो आपने एक चूज करनी है। अगर आपका मैथ्स और बायो या फिजिकल साइंस ये है तो आपकी साइंस स्ट्रीम ही आपने चूज होनी है, और उसमें वो मैथ्स और साइंस उसकी डिवीजन ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक। अगर आपका ये क्वेश्चन था, अगर और कोई क्वेश्चन है तो दोबारा लिखिए और मैं उसका आंसर दे दूंगा, वापस चलना पड़ेगा यहां से। हाँ ये रहे, कंबोज जी कह रहे हैं, सर क्या रिजल्ट आन तो बाद बीए दे मार्क्स ऐड करने ने जी करने ने था किवें ऐड करने ने, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको जैसे डेट एक्सटेंड की हुई है तो आपको नेचुरली है आपके रिजल्ट तक की वेट की जाएगी, तभी उनको पता चला है, जब तक रिजल्ट ही नहीं है नेक्स्ट प्रोसीजर कभी भी नहीं शुरू हो सकता आपका, जो अगर रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो नेचुरली आप जॉब के भी अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी अच्छा, थैंक सर, जिमें के हूं मैं इस वार बीएड करनी है, इस वार भी पीएसटेट एग्जाम आवेगा, उदो तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर दे एग्जाम नहीं होंगे, की मैं पीएसटेट लई अप्लाई कर सकता हाँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कारण ये है कि अभी स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, जो नोटिफिकेशन एक वीडियो भी निकाला था, आप 100% जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं मीन वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 2022 और 24 का सेशन है, ये वही बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है ना, तो उनकी मान लीजिए अभी एडमिशन हुई है,
सितंबर में मान लीजिए उनकी क्लासेस शुरू हो गई है, सितंबर में ही पीएसटेट के पीएसटीईटी के जो फॉर्म आ गए हैं, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करोगे और उसकी गाइडेंस कोचिंग, उसकी जो तैयारी है यहां पर करवाऊंगा मैं, मतलब क्लासेस कैसे लगती, ऑनलाइन भी लगाऊंगा, वीडियो भी निकाल दूंगा। तो आप तैयार रहिए, कोशिश है कि मतलब अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो, है ना, बाकी जितनी मेहनत मैं करवा सकता हूं करवाऊंगा। आप अगर साथ देते हो, आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे कैसे राइट आंसर को चूज करना, स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे, अगर वीक एग्जामिनर था, उसने क्वेश्चन बनाया था, वो क्वेश्चन बनाने की कला उसको नहीं आती थी, तो आपने बिना नॉलेज के राइट आंसर को कैसे पकड़ लेना, चार में से एक ही पकड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कंफ्यूजन मत हो, आपका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, और आपने टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने की तीन स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए कौन सी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस है। मान लीजिए आपकी नॉलेज किसी एरिया में कम है, किसी में ज्यादा है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना है, तो सारे एरियाज के लिए स्ट्रेटजीज के साथ से, कंटेंट प्लस स्ट्रेटजी के साथ वो मैं कोचिंग दूंगा, फ्री कोचिंग होगी। आप मतलब फॉर्म भी आएंगे तो वीडियो निकाल दूंगा, सीटेट के भी फिल कर सकते हो, जैसे पीटेट के कहा ना, सीटेट के भी अभी आने वाले हैं, और दोनों के दिसंबर में एग्जाम होने हैं, दिसंबर में। तो वो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से, एनसीटी की तरफ से आपको मैंने दी हुई थी, एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। इसके लिए अलग वीडियो भी निकाल सकता हूँ कि क्या हम वो कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सर, मैं 10th और 10+2 रूरल एरिया से करी है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं आएगी? आएगी, आपको दिक्कत आएगी भी। आप ऐसा कीजिए, जब डिस्क्रिपेंसीज का डेट आएगी ना, आप एक डिस्क्रिपेंसी के लिए, ऑनलाइन डिस्क्रिपेंसीज के लिए वो आपको देंगे कि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी में मैच नहीं कर रहा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसकी वेटेज ले रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, तो आप डिस्क्रिपेंसी में ईमेल के जरिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को लिखोगे कि मेरा रूरल का जो क्लेम है वो काइंडली मैं विदड्रॉ करता हूँ, वापस लेता हूँ, तो वो आपकी ऑप्शन में से वो निकाल दिया जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लिया हुआ है तो आप वहां कॉलेज में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर थोड़ी तंगी आएगी, है ना, सीट नहीं जाती, ऐसे घबराइए मत। नेक्स्ट है, सर अगर आप ही स्टडी में, तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ गैप है ना स्टडी में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी मैंने वीडियो निकाला उसमें बता दिया, गैप सर्टिफिकेट चाहिए, वो तहसील में से बन जाता है, उनके पास फॉर्मेट होता है, एक नोटरी टेस्ट करते हैं, बस आपने जाके अपना नाम, फादर्स नेम, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है, तो वो मेरे ख्याल में हार्डली 200 रुपए के करीब में बन जाएगा, 100-200 में बन जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है, सर आप प्लीज कॉलेज शिफ्टिंग के बारे में डिटेल में बता सकते हो, कंफ्यूजन कि सेकंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज प्रायोरिटी चेंज। अभी आप कुछ नहीं करना, ये अभी अभी आप फर्स्ट काउंसलिंग के रिजल्ट की वेट करने के बाद ये देखिए कि आपको कॉलेज कौन सा मिलता है, वहां डिससेटिस्फेक्शन है तो टेलीफोन भी दिया गया था 98729 वाला डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, उस पर भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट के लिए उसी वक्त पूछ लीजिए, तो फोन इसलिए है इमीडिएट आप फोन करके गाइडेंस ले सको, तो आप कर सकते हो 98729789। ये रहा आपका, अमनदीप कौर, सर सिक्स्थ सेम द रिजल्ट, कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना, वो डिले कर दी गई है। रिप्लाई सर, पर सीट जो मिलेगी हमें बीएड की, जैसे मैं पीजीआई है तो मैं उसके को नो भी काउंट होंगे या ओनली अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स के बेसिस पर गवर्नमेंट सीट? नहीं, सिर्फ आपका रैंक गिना जाएगा। अगर आपकी सीट टाई करती है, फॉर एग्जांपल दो जनों के सेम मार्क्स आ गए हैं, आपके भी 90 हैं, है ना, दूसरे जने के भी 90 हैं, तो फिर 90 हैं, दूसरे जने के भी 90 हैं, टाई हो गया, तो फिर उस टाई को तोड़ने के लिए आपकी एज देखी जाती है, दो क्राइटेरिया उन्होंने रखे हैं, है ना, एडिशनल क्वालिफिकेशन का नहीं रखा है शायद,
तो एक एज है और दूसरा है कि आपके जिसके बेस पर आप एलिजिबल हुए वो बीएड में, वो अंडर ग्रेजुएट के भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के भी हो सकते हैं, कई जने मोस्टली ग्रेजुएशन के बेस पर ही एलिजिबल है, तो उनके मार्क्स मान लीजिए इनके हैं 60% और इनके हैं 61%, है ना, तो ये रैंक में आपसे आगे चले जाएंगे, एक नंबर आगे चले जाएंगे, तो ये चेंज होगा, इसके अनुसार बनेगी, और बाकी जो है गवर्नमेंट की इससे अलावा और कुछ नहीं गिना जाएगा, रिजर्वेशन वगैरह वो सबके लिए इक्वल है। गुड मॉर्निंग सर, सर पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो स्टूडेंट ने बीएड में एडमिशन लेने उनके लिए बीएड वन ईयर की हो, ये न्यूज ट्रू है? नहीं, अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो 2020 की है उसने नेचुरली दो साल हो गए हैं, उसने एनसीटीई को निर्देश देने हैं कि ये चेंज लानी है, मान लीजिए वो चेंज आ गई है, उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं एनसीटी के, किसी ने ये कोर्स लेने हैं है ना, तो वो ले ले, अभी तक एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हुई। दूसरी बात, अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लाइन पर एनसीटी ने न्यू एप्लीकेशन इनवाइट की है, वो इंटीग्रेटेड कॉलेज बीएड की है, बीए या बीएससी बीएड की है, ठीक, वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए है, ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये दो बातें हैं, ये एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, कॉलेजेस के लिए है वो, दूसरा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो भी कोर्स अभी अप्लाई नहीं है, तो अभी तो एप्लीकेशन नहीं मांगी गई, फिर उनकी इंस्पेक्शन होगी, फिर वो कोर्स शुरू हो गए, उसके बाद प्राइवेट का शुरू होगा, तो अभी तक कुछ नहीं है, इसका मतलब अभी ये प्रोसेस बहुत पीछे है, आपने खबर कहां से जो भी सुनी है वो अभी स्टार्टिंग की है ना। सर मैंने ग्रेजुएशन पीयू एफिलेटेड कॉलेज से की है और बीएड भी पीयू एफिलेटेड करनी है, ठीक है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, अगर आपकी सेम ये पीयू एफिलेटेड कॉलेज से बीएड की है नहीं लगेगा आपका, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हो फिर लगेगा, है ना। सर अगर किसी की बीए सिक्स सेम में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है तो वो बीएड के लिए एलिजिबल है? नो, जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए कंपार्टमेंट के पेपर भी दिए हैं, इधर रिटर्न फिल नहीं हुई है, इतना वैसे टाइम नहीं मिलता, तो आप उस बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है कॉन्फिडेंशियल निकाल लेते हो रिजल्ट, है ना, तो आप एलिजिबल, हर हालत में रिजल्ट आउट हुआ होना चाहिए। सर मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन पढ़ी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सर प्लीज बता दो। मैं बता देता हूँ ये सारा कुछ, पहले भी क्लियर बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ, अभी आपका हो गया हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है ना, तो आप 3 साल पढ़े गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, एसएसटी को मत छोड़ो, ना छोड़ो, जनरल इंग्लिश है मत पकड़ो, भी जनरल पंजाबी है अभी मत पढ़ो, अगर एसएसटी के साथ फिजिकल एजुकेशन मिलती है 3 साल पढ़ी हुई है, अगर इसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो एसएसटी फिजिकल एजुकेशन है, अगर ये नहीं मिलता कॉम्बिनेशन, अगर होगा भी किसी यूनिवर्सिटी में बहुत कम होगा, तो आपको नेचुरली है इनमें से चूज करना होगा, इंग्लिश और पंजाबी में से किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आप पीजी करना चाहते हो, जहां आप इलेक्टिव इजिली दे सकते हो पंजाबी और इंग्लिश में से, फिर आप लोगे एसएसटी और वो वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश भी हो सकता है अगर आपको वो इजी लगती है, पंजाबी भी हो सकता है अगर आपको वो इजी लगती है, ये आपको कॉम्बिनेशन वाला, नंबर एक फर्स्ट ये बना एसएसटी फिजिकल एजुकेशन, एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी पंजाबी दूसरा रैंक है, तीसरा कोई रैंक नहीं है। दैट इज ऑल, कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए, थोड़ा गैप पड़ गया था उसके लिए सॉरी। पीएस टेट और सी टेट के लिए फ्री आपको गाइडेंस दूंगा, कोचिंग दूंगा, जो पिछले पेपर भी सॉल्व करूंगा, कंटेंट भी टीच करूंगा, नेचुरली वो कंटेंट टीच करने से फायदा ये भी होगा कि आपने बीएड सेम फर्स्ट के जो एग्जाम देने हो उनके लिए भी फायदा होगा, बीएड सेम में अगर किसी क्वेश्चन के किसी सिलेबस में आपको प्रॉब्लम आती है सिर्फ आपने लिख के पाना है सर इस का आंसर क्या होगा, उस पर वीडियो बन जाएगा, सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, सर हमने 10 ईयर
पढ़ा था फर्स्ट सेम का और उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बुक्स में नहीं मिल रहे, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ये सिर्फ बीएड एडमिशन तक का रिश्ता नहीं है, अगर आप चाहो, अगर आपका जी चाहता है तो इसको कंटिन्यू रख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू वर्चुअलाइज।